नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सेहत तक। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के स्टफ पकोड़े, जिसे मैं सोया आटे से बनाऊंगी। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। 1 कप सोया आटा, 1/2 कप बेसन, 250 ग्राम पनीर जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, 1 उबला हुआ आलू, नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च 1 कटी हुई, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, पानी, 1/2 कटी हुई प्याज, 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ, 1 चम्मच हरी मटर, चाट मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और तलने के लिए तेल। दोस्तों एक बड़े बाउल में सोया आटा डालेंगे, उसमें बेसन भी डाल देंगे। अब उसमें नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। दोस्तों सोयाबीन के आटे को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो पूरा पकौड़ा बेसन में ही बना सकते हैं, लेकिन सोयाबीन का आटा पौष्टिक होता है, इसलिए मैं यहाँ पर सोयाबीन के आटे से बना रही हूँ। देखिए दोस्तों गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। दोस्तों ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। चलिए दोस्तों अब पनीर की स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और सॉटे करेंगे। जब प्याज में गोल्डन कलर आ जाएगा तब उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नमक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अब उबला हुआ आलू जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था को भी मिक्स कर देंगे। सभी सामग्री को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। दोस्तों फिलिंग बनकर तैयार है, अब इसे किसी प्लेट में निकाल देते हैं। अब कढ़ाई में तेल डालकर उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। दोस्तों अब आलू वाले मसाले को पनीर के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और उसके ऊपर दूसरा पनीर का पीस रख देंगे और हाथों से दबाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सोया आटा और बेसन का घोल बनाया था, पनीर को बैटर में डुबोकर अच्छे से कोट कर लेंगे। और उसे गरम तेल में तलने के लिए डाल देंगे। दोस्तों अगर किसी जगह पनीर पर कोटिंग नहीं हो पाई है तो उस पर वापस से बैटर डाल सकते हैं। जब पनीर में अच्छा सा क्रिस्प आ जाएगा तब उसे पलट देंगे। देखिए दोस्तों पकौड़ों पर अच्छे से कोटिंग नहीं हुए तो यहाँ पर आराम से बैटर डाल सकते हैं। अब पनीर को दूसरी तरफ से भी अच्छा क्रिस्प आने तक पका लेंगे और पलटकर दूसरी तरफ से वापस तल लेंगे। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से पनीर का पकौड़ा बन गया है, बहुत ही क्रिस्पी है। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरे पकौड़े को भी तल लेंगे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पनीर के पकौड़े बनकर तैयार हैं, जो अंदर से सॉफ्ट हैं और बाहर से बहुत क्रिस्प हैं। मैंने पनीर के पकौड़ों को हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है।
तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।